मान लीजिए हमने एक कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर और एक कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर और एक कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और अब इसको लाइनों से जोड़ दिया, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। अब हमारा क्या कहना है, पहला ये कहना है कि इसका एरिया कितना है, ठीक है। सो एंड प्रूव दैट द एरिया इज रैशनल। सो बहुत सिंपल है, एक इसका एक बाउंड्री वाला बना लें, और ये दिख जाना चाहिए था, एक ये बाउंड्री बना दी, कोई भी ट्रायंगल होगा उसकी आप बाउंड्री बना पाएंगे ना इस तरह से, ठीक है। तो इट्स क्लियर दैट दैट ऑल दिस रेड पोर्शन, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस रेक्टेंगल माइनस दिस रेड पोर्शन, राइट, ठीक है, क्लियर है ना ये बात। द एरिया ऑफ रेड पोर्शन इज बेसिकली दीज लाइन्स विच इज लेट से दिस लाइन टाइम्स दिस लाइन बाय हाफ, सिमिलरली दिस लाइन टाइम्स दिस लाइन बाय हाफ, सिमिलरली दिस लाइन टाइम्स दिस लाइन बाय हाफ। एंड प्लीज नोटिस दैट ऑल ऑफ दीज लाइन्स आर इंटेग्रल यूनिट्स, बिकॉज हम ग्रिड के एंड्स पर ही ले रहे हैं। तो ये सारे रेड जो है वो उसका एरिया, रेड ट्राइंगल्स का एरिया विल बी रैशनल, एंड ऑफ कोर्स रेक्टेंगल इज रैशनल, तो रैशनल माइनस रैशनल भी रैशनली होगा, देयरफॉर आई कैन से दैट दिस ग्रीन इज रैशनल, और येलो रेक्टेंगल इज रैशनल, इज रैशनल, एंड देयरफॉर ग्रीन इज ऑल्सो रैशनल, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, दैट्स वाई इवन इफ यू हैव, हाँ, कोई भी ट्राइंगल बना दीजिए, उनका जो है एरिया रैशनली होगा, क्यों? क्योंकि इनके एनक्लोजिंग रेक्टेंगल जो है वो उसका एरिया रैशनल है। तो ये बाहर बाहर की चीजें जो ये काट देंगे, ये वाले ट्राइंगल जो हैं ये सारे रैशनल होंगे, क्योंकि इसकी साइड्स रैशनल है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना ये सारे, तो इसकी साइड्स रैशनल है, तो दैट्स व्हाई दिस ट्राइंगल विल ऑल्सो बी रैशनल। यू मेक एनी पॉलीगन इन दिस ग्रिड, द एरिया हैज टू बी रैशनल। कोई भी पॉलीगन बना दीजिए, कोई भी पॉलीगन, कुछ भी बना दीजिए, बिकॉज अ पॉलीगन कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड एज सम ऑफ ट्राइंगल्स ना। दिस पॉलीगन आई कैन से इज बेसिकली नथिंग बट दिस पॉलीगन में ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स बना दिए, ठीक है। तो ये चार ट्राइंगल्स का पॉलीगन हो गया, तो ईच ट्राइंगल इज रैशनल, देयरफॉर ऑल फोर विल बी रैशनल, देयरफॉर पॉलीगन इज रैशनल, तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई क्या इसमें आप एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट थी। मान लीजिए वो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, अंडू कर देते हैं, मान लीजिए बना सकते हैं। सो लेट से, ठीक है, मान लीजिए दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू, दिस इज आवर इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो लेट से दिस इज माय इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसके कोने ऑफ कोर्स द डेफिनेशन इज दैट द एंड पॉइंट्स हैव टू बी ऑन द ग्रिड, ओके। नाउ इफ दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वी जस्ट प्रूव्ड दैट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज रैशनल, करेक्ट, ऑल राइट, दिस इज, वी जस्ट प्रूव्ड दैट, राइट। एंड हाउ एवर, वॉट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ द साइड लेंथ इज ए, इट इज रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ऑल राइट। नाउ इट इज क्लियर इफ दिस इज द एरिया, इफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज विल बी एन इंटीजर इन ग्रिड, आप कहीं से भी कहीं तक भी ले लें, कोई भी एक ग्रिड के पॉइंट से लेकर कोई भी दूसरे पॉइंट तक अगर लाइन खींचेंगे, और इफ दैट इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट ए स्क्वायर विल ऑलवेज बी इंटीजर, सो दिस ए स्क्वायर इज ऑलवेज इंटीजर, दैट मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल नंबर शुड ऑलवेज बी इरेशनल नंबर, विच इज बेसिकली सेइंग दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इरेशनल, एंड वी जस्ट प्रूव्ड दैट द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कैन ओनली बी रैशनल इन अ ग्रिड, देयरफॉर वी कैन नॉट ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/3 √2, सॉरी √3/2 a square क्यों होता है वो भी अगर बताना हो तो मैं एक सेकंड में बता देता हूँ।
इन अ ट्राइंगल दिस हाइट इज रूट 3/2 टाइम्स ए बिकॉज दिस इज 60 degrees एंड इफ दिस इज साइड वन दिस इज हाफ एंड दिस इज रूट 3/2. तो इसलिए रूट 3/2 टाइम्स ए टाइम्स ए विच इज द बेस टाइम्स हाफ. हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं ना, तो इससे ये रूट 3/2 कि भाई एक स्क्वायर एक यूनिट का बन गया, फिर दो यूनिट का भी बन सकता है, फिर तीन का भी बन सकता है, ठीक है ना, फिर चार का भी बन सकता है. ये तो हो गया. सो दिस इज वन, दिस इज फोर, दिस इज नाइन, दिस इज 16, राइट. तो इतने ही बन सकते हैं. हाउ अबाउट अदर्स, यू कैन ऑफ कोर्स मेक दिस, राइट. दिस इज हाउ मेनी यूनिट्स, टू. ये मान लीजिए एक साइड है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या साइड होगी, ये तीन इधर गए और एक ये वाली साइड होगी. फिर ये तो ये जो लेट से ब्लू में दिखा रहा हूं मैं, ये भी स्क्वायर है. और इसकी इसका एरिया कितना होगा, कोई बता सकता है इस ब्लू वाले का एरिया कितना है? 10. ठीक है, क्योंकि ये साइड रूट 10 है, तीन इधर और एक इधर. सो देन व्हाट इज द कैन यू सी द प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ किस किस एरिया के स्क्वायर्स बना सकते हैं? दिस एरिया इज 5. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 1, 4, 9, 5, 10 एंड फर्स लाइक दैट? किन किन चीजों का आप स्क्वायर बना सकते हैं वॉज द क्वेश्चन, राइट. आप पाएंगे कि ग्रिड में आप उन्हीं चीज का स्क्वायर बना सकते हैं, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स. जैसे 10 इज इक्वल टू 3 square plus 1 square, ये आप 10 का बना सकते हैं. उसी तरह से आप, हाँ, 1 square plus 4 square. Basically, any number that you can represent as sum of two squares, वो square आप grid में बना सकते हैं. That is the basically you know whatever theorem या कहिए या property we wanted to convey. ये clear हो रही है ना? आप देख लीजिए कोई सा भी number, तो 1 square plus 2 square, 1 square plus 3 square, 1 square plus 4 square and so on so forth. फिर वो 1 से 5 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा. तो ये हो गए, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये हो गया, कोई बताएगा? ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये 17 आ गया. फिर क्या करें, 2 square plus 3 square, ये क्या हो गया, 13 आ गया. 2 square plus 4 square, ये क्या आ गया, 4 चौक 16 और तो 4 20 हो गया. और क्या होगा, अब 3 के साथ तो कुछ और नहीं हो सकता, 3 square plus 3 square हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है. और 2 square plus 2 square भी हो सकता है, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा. तो आपके कौन से नंबर आ गए हैं, 1, 2, 4, 8, 9 और क्या है हमारे पास, 10, 5 भी था, 5, 13, 17, 18, 20. कहाँ हम सोच रहे थे 1, 4, 9 और 16 ही हैं, और 16 भूल गए, एक्चुअली 16 भी गए और यहाँ इतने सारे निकल गए, ठीक है. सो दीज नंबर्स आर ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स.